नवरात्रि के 8वें दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं कुट्टू की खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो इसके लिए हमने एक बाउल में आधा कप कुट्टू के दाने लिए हैं। इसे हम दो पानी अच्छे से धुल लेंगे। ये देखिए कुट्टू कुछ इस तरह का होता है, तो चलिए इसे धो लेते हैं। कुट्टू को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब 2 घंटे के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए कुट्टू का दाना हमारा फूल चुका है। अब इसे उंगली के बीच में दबा कर देखते हैं, तो देखिए कितना अच्छे से मैश हो जा रहा है, यानी कि कुट्टू भीग चुका है। अब इसका पानी हम निथार देंगे। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रखी है, उसमें हम 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल डालेंगे। मूंगफली का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है, ये कोल्ड प्रेस ऑयल है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें और आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को चटकने देंगे। उसके बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू ले लेंगे। तो ये देखिए कितने बड़े पीस में हमने काटा है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, यानी कि 1 मिनट भूनेंगे। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको ढककर हम पकाएंगे। तो देखिए हमने ढक दिया है और इसे 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। 1 मिनट हो चुका है, फिर हम इसे चला लेते हैं। अब इसके बाद हम 1 बड़ा टमाटर बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमने 1 बड़ा टमाटर काट लिया है। अब 1 गाजर को भी हम बारीक काट कर डाल देंगे, यानी कि छोटे छोटे क्यूब में हम काट कर डाल देंगे। आलू, टमाटर और गाजर तीनों के साइज एक होने चाहिए। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर भून लेंगे। तो हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक सब्जियों को भून लेंगे। तो इसे हम ढककर एक बार फिर से सब्जियों को सॉफ्ट होने देंगे। तो देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसी वक्त हम भीगे हुए कुट्टू को इसमें मिला देंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और जब तक कुट्टू फ्राई होता है, तब तक हम इसके गुण बताते चलते हैं। कुट्टू में मौजूद मैग्नीज हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करता है। कुट्टू में मौजूद आयरन, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बालों को मजबूत बनाते हैं। कुट्टू में मौजूद फाइबर और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। कुट्टू में मौजूद विटामिन B कॉम्प्लेक्स लीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। कुट्टू में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। कुट्टू में मौजूद रूटीन, मैग्नीशियम, तांबा, फाइबर और कुछ प्रोटीन हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। तो जो गुण तो हो गए, अब इसमें हमने नमक डाल दिया है। स्वाद अनुसार हमने नमक डाला है और जितना कुट्टू होगा उसके हम 2.5 गुना पानी डालेंगे। तो हमने 1 कप कुट्टू है, तो इसमें हम 1.5 कप पानी मिलाएंगे और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे कुट्टू की खिचड़ी को पकने देंगे। तो हमने कवर लगाकर कुट्टू को पकने दिया है और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो कुट्टू के और भी ढेर सारे गुण हैं। कुट्टू में मौजूद कार्ब्स ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं। कुट्टू में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। कुट्टू खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। कुट्टू में मौजूद मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाते हैं। तो लीजिए बातों बातों में कुट्टू हमारा पक चुका है, यानी कि इसका पानी सूख चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर और भून लेंगे, यानी कि इसका पानी हम सुखा लेंगे। उसके बाद हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। कुट्टू को आम भाषा में हम फाफड़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में बकवीट भी बोलते हैं। तो लीजिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। अब इस गैस को हम बंद कर देंगे और 1 सर्विंग प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। तो कुट्टू के साथ खाने की ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसके साथ दही खा सकते हैं या फिर रायता खा सकते हैं। अगर दही रायता नहीं खाना चाहें तो सीधे आप खिचड़ी भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब खिचड़ी को हम रोस्टेड मूंगफली से गार्निश कर देंगे और धनिया पत्ती से भी गार्निश कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।